बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, सबकी हॉट फेवरेट जो डिश होती है चिकन पुलाव की, वो आज मैं बनाने जा रही हूँ। और उसके लिए मैंने प्याज जो है वो फ्राई करना स्टार्ट किया है। तो प्याज जैसे फ्राई होता है इसमें ब्राउन कलर इसका आ जाता है, तो मैं चीज़ें डाल रही हूँ। ये देखें, मैंने इसमें चिकन और मटर जो है वो ऐड किए हैं। तो वैसे तो चिकन पुलाव मैं बना रही थी, लेकिन मटर जो थे वो फिर देख के दिल किया कि थोड़े थोड़े से मटर भी डाल लिए जाए, इसलिए फिर मैंने थोड़े से मटर भी डाल लिए। चैनल पे जो न्यू है कार्ली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली मेरी न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो वीडियो को एंड तक देखा करें ज़रूर। तो ये देखें, अब मैंने इसमें स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं। नमक जो है वो 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सूर्ख मिर्च पाउडर है, ये गरम मसाला मिर्च मैंने इसमें ऐड किया है। और उसके साथ अब मैं साबुत जो है गरम मसाला वो भी इसमें मैंने ऐड किया है। इसमें इसको मिक्स करके थोड़ा सा पकाऊंगी, थोड़ा सा भून लूँगी और फिर इसमें पानी ऐड करूँगी। 1 कप चावल मैंने लिए हैं, तो 2 कप मैं पानी इसमें ऐड करूँगी। तो दूसरी तरफ चावल जो है मैंने सबसे पहले भिगो लिए थे, धो के अच्छे तरीके से। पीछे से हरम की आवाज़ें आ रही हैं, हरम जो है वो मेरे पास बैठी बातें कर रही है, तो अगर शोर आपको महसूस हो तो इसके लिए सॉरी। तो ये पानी जो है वो बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम इसमें चावल ऐड करते हैं और उसके बाद फिर कवर करके इसको हम पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क हो जाता है और चावल गल जाएंगे तब तक। ये देखिए, चावल जो है मैंने ऐड कर दिए हैं, अब इसको मैं कवर करके पकाऊंगी। इस स्टेज पे आके नमक जो है हम चेक कर सकते हैं, तो अगर नमक आपको कम महसूस हो तो आप और भी डाल सकते हैं। ये देखिए, पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, तो अब इसको मैंने ढक्कन जो है कवर इसका मैंने उतारा नहीं है, ताकि इसको इसी तरीके से दम आया रहे इसका। तो ये देखिए, दम अब इसका आ चुका है बिल्कुल, और चावल माशाल्लाह कितने लंबे लंबे और खिले खिले बने हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बने थे चावल और ज़बरदस्त टेस्ट था इसका। ये सब्ज़ धनिया मैंने इसकी गार्निश के लिए ऐड किया है, और इसके साथ मैं डिश आउट करती हूँ इसको। तो ये देखें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। इसी के साथ आप वीडियो की एंड की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज़।